इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर हमारे पास कंप्रेस्ड जिप फोल्डर्स और हमारे पास सब कुछ है यहाँ पर, बट हम चाहते हैं कि इसको हम रन करें 18 के। तो जैसे हम इस पर रन पर टिक कर रहे हैं तो हमारे पीसी यहाँ पर ठीक है इस तरीके से घूमता रहता है और वर्क नहीं करता। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं तो थोड़ा तो लोड झेलना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर की फाइलें निकालनी पड़ती है आपके पीसी को। तो मैं सबसे पहले आपसे यहाँ से कहना चाहूँगा कि आप अपने यहाँ पर पीसी को एक दफ़े रिबूट कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से अगर आप रिबूट करेंगे तो एक दफ़े यहाँ से रिस्टार्ट कर लीजिए और उसके बाद उसे रन करिए। अब ये फाइल अगर आप अपने पीसी के अंदर रख के रखते हैं जो जहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये भी नहीं जहाँ से आप ये खोल रहे हैं वहाँ से भी आपके किसी ड्राइव के अंदर है या फ़ोन के अंदर है, वहाँ पर भी किसी ऐसी जगह पर है, तो देखिए ऐसा मत करिए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लोड मिलेगा। तो यहाँ पर आप जो है सबसे पहले उसे अपने डेस्कटॉप पे कहीं पर भी डालिए, कोई से भी फोल्डर में डालिए, बट हाँ डालिए। और उसके बाद अगर ये रन नहीं करता है तो एक्सट्रैक्ट कर लीजिए आप यहाँ पर सारे के सारे, और यहाँ से ऐसे फोल्डर सेलेक्ट करिए जो ढंग का सो हो और उससे एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है। और ऐसे मतलब एक जगह दूसरे फोल्डर को मत एक्सट्रैक्ट करिएगा वरना आपको दिक्कत आएगी। और उसके बाद आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ से ये इजीली जो है यहाँ से रन हो जाएगा, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर पर भी रन हो जाएगा। तो इतना सा ये प्रोसेस आपको करना है, फिर आपकी जो ये प्रॉब्लम होगी ये सॉल्व हो जाएगी। तो अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।